क्या मैं कोई अनोखी लड़की हूँ जो मैके में आके रह रही हूँ या नौकरी कर रही हूँ? अब देखें ना, आपकी बहन है, वो क्या नाम है उनका, सुम्बुल आपी, वो भी तो कब से आप लोगों के घर रह रही, जबकि जरा सा झगड़ा हुआ था उनका अपने शौक से, और शादी के 6 माह बाद से ही आपके पास रह रही। 6 साल होने को आए हैं तक आप लोगों के साथ, आप लोगों ने तो कहीं नहीं निकाल दिया। सब समझ आ रही है मुझे, सब समझ आ रही है रूमी, जो तुम मेरी बहन की मुझे ताने मार रही हो। जानती भी हो कितनी तकलीफ में थी वो वहां पे, ससुराल वाले अलग तंग करते रहते थे और शौहर उनका 1 रुपया नहीं देता था उनको खर्चे के लिए, और तुम मुझे ताने दे रही हो। एक मिनट शांजी, रूमी तुम्हें ताने नहीं दे रही है, वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह तुमने अपनी बहन की बात पे अपनी बहन का दिफा किया है, बिल्कुल इसी तरह से तुम रूमी के लिए बात करने वाली खवातीन की भी जबान बंद करवा सकती। माजरत करती हूँ अम्मी, चांदे भाभी से बदतमीजी की मैं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बहुत अच्छा किया कि तुमने उसका मुंह बंद करवा दिया, आइंदा किसी के लिए भी बात करते हुए 100 दफा सोचेगा। तुम परेशान मत हो बेटा, ये दुनिया तो किसी को भी खुश हंसता देख ही नहीं सकती, इतना दिल ना खराब करो, चाय पियो अपनी। मुझे बिल्कुल रूमी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह मेरी बड़ी बहन का ताना देगी, मैं तो उसे अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, पर अम्मी ने भी नहीं उसे रोका, उल्टा मुझे सुना दी। शाना पापा बस कर दो ना, अच्छा रोना तो बंद करो। देखो देखो, उसने नई नई जॉब शुरू की है, सारा दिन ऑफिस से थकी भी आती है वापस, हो सकता है ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया और उसने आके घर तुम पे गुस्सा निकाल दिया। जाहिर है आपकी बहन है, आप तो उसी की साइड लेंगे, मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है, और तुम खुद ही कहती हो ना कि तुम उसे अपनी छोटी बहन समझती हो, तो हो सकता है कि उसने भी बड़ी बहन समझ के अपने दिल की भड़ास निकाल दी हो तुम पे। आरिफ मैंने तो वही बात की है ना जो मैंने मोहल्ले वालों से सुनी है, अपने पास से कुछ नहीं बनाया, वो अलग बात है कि उसको सब कुछ उल्टा लग रहा है। मुझे मालूम है कि तुम क्यों झूठ बोलोगी, बिल्कुल सच बोल रही हो तुम, मैं मानता हूं। अच्छा काम करते हैं, रूमी से सुबह मैं खुद बात करूंगा, बल्कि कान खींचूंगा उसके कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की स्टोन में, और तब तक ना तुम उसे कोई बात मत करना, ठीक है? नहीं नहीं छोड़ें आप, खामखा बदमजगी होगी, किसी से कोई बात ना कीजिएगा, वरना अम्मी ने तो यही समझ लिया ना कि मैंने आपे कान भरे, बहुत बड़ा दिल है मेरा, भूल जाऊंगी सब कुछ जो कुछ भी रूमी ने मुझे कहा है, आप परेशान ना हो। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे इस बात को जाने दूं मैं कह रही हूं ना, आप मत बात कीजिएगा किसी से भी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मुझे गलत नहीं समझते। चलो ठीक है, अब तुम इंसिस्ट कर रही हो तो जाने देता हूँ, फिर क्या हो सकता है, इसे बहुत बड़े दिल की हो तुम, ये तो मानना पड़ेगा। चलो ना जाने दो ना, बल्कि काम करता हूँ, आज मैं अपनी बेगम साहिबा को मनाने के लिए खुद अपने हाथों से इनके लिए चाय बना के लाता हूँ, ठीक है?